Roses are red and violets are blue. तो मैं पता है क्यों? Let me tell you क्यों. कोई भी चीज को हम क्यों देख सकते हैं उसको पहले जानते हैं, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि वो चीज हमें पर्टिकुलर कलर की क्यों दिख रही है. तो किसी भी चीज को देखने के दो रीजन होते हैं. नंबर वन कि वहां से लाइट बाहर निकल रही है, इसको बोलते हैं रेडिएशन. ये जो है सोर्स वो लाइट रेडिएट कर रहा है, वो लाइट मेरी आंखों में जा रही है और मेरी आंखों में एक इमेज फॉर्म हो रही है एंड आई कैन सेंस कि मुझे ये चीज दिख रही है. दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन. दिस इज द रीजन कि हम सन को देख सकते हैं, लैंप को देख सकते हैं, ट्यूबलाइट्स को देख सकते हैं. डू यू गेट दिस? लेकिन इसके अलावा भी हमें काफी सारी चीजें जो दिख रही है, आई कैन सी दिस राइट. इसका मतलब कि यहां से लाइट आ रही है, अभी यहां से लाइट आ रही है, मेरी आंखों में जा रही है, मेरी आंख सेंस कर रही है, आई कैन सी दिस. लेकिन ये तो लाइट छोड़ नहीं रहा, तो इसके पास लाइट आई कहां से? तो यहां से सोर्स पे से लाइट आई, इसके ऊपर गिरी, इसने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया और मेरी आंखों में वो लाइट आई एंड आई कैन विजुलाइज कि मुझे ये चीज दिख रही है. तो सेकंड रीजन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. लाइट आई, लाइट इसके ऊपर गिरी, इसने रिफ्लेक्ट किया और मुझे ये चीज दिख गई. तो दिस इज सेकंड रीजन. अभी ये जब भी चीजें दिखती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है, अदरवाइज वो सोर्स होगा. तो अगर मेरे हाथ में कोई लीफ है, ये लीफ तुम्हें पता है कोई भी पेड़ का जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का होता है. व्हाई आई कैन सी दिस इज ग्रीन कलर ओनली. क्यों? क्योंकि सन के पास से जो लाइट आ रही है, अभी सन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम छोड़ता है. सन के पास से एक्सरेज भी आती है, यूवी रेज भी आती है, गामा रेज भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है, उसके साथ में विजिबल भी आती है. विजिबल इज 7 कलर्स, यू नो ना, विजिबल में सातों सात कलर होता है विब्योर. तो ये लीफ के ऊपर सातों सात कलर गिरते हैं, पूरा विब्योर गिरेगा, लेकिन ये लीफ जो है वो सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा. और सिर्फ ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरी आंखों में तो ग्रीन कलर गिर रहा है, इसलिए मुझे ये दिखेगा कि ये लीफ जो है वो ग्रीन कलर का है. दिस इज द सेम रीजन क्योंकि हमें ये जो रोजेस होते हैं वो रेड दिखती है, एप्पल जो होते हैं वो रेड दिखते हैं. क्यों? क्योंकि एप्पल के ऊपर जब भी लाइट गिरेगी तो सातों कलर में से एप्पल सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारे कलर अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. तो रेड कलर जो है वो मेरी आंखों में गिरा, आई कैन सी कि एप्पल जो है वो रेड कलर का दिख रहा है. लेकिन इसका एक और मिरेकल है, तुम ध्यान से समझना इस चीज को. अगर मैं कोई आर्टिफिशियल सिस्टम बनाऊं और ये एप्पल को उसमें रखूं और जहां पे सिर्फ ग्रीन लाइट सी इसके ऊपर गिर रही है, हाँ एप्पल के ऊपर सिर्फ ग्रीन लाइट गिर रही है, कहीं से रेड लाइट आई नहीं रही है, तो जब ये ग्रीन लाइट गिरेगी तो एप्पल ग्रीन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. एप्पल तो सिर्फ रेड को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो एप्पल ये पूरी ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा. और क्योंकि रेड लाइट नहीं आ रही, इसके पास कोई लाइट रिफ्लेक्ट करने को है ही नहीं, ये कोई भी लाइट बाहर नहीं फेंकेगा और मुझे ये एप्पल ब्लैक कलर का दिखेगा. यस, क्योंकि उसमें से कोई लाइट आ ही नहीं रही ना. डू यू गेट दिस? इसी तरह से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पे आके छोड़ता हूं कि अगर मेरे पास दो बलून है, रेड बलून ब्लू बलून, उन दोनों के ऊपर मैं रेड लेजर लगा रहा हूं. लेजर तुम्हें पता है ना, लेजर इज अ लाइट, लाइट होता है. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब हम धूप में होते हैं तो हमें गर्मी लगती है. क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी के फॉर्म में होती है, वो हमें हीट अप करती है. इंफ्रारेड का एप्लीकेशन पता है ना, माइक्रोवेव ओवन वाला. यस, तो ये जो रेड बलून है, ये ब्लू बलून है, दोनों के ऊपर मैंने लेजर लाइट गिराई. अभी इन दोनों को हीट अप हो रहा है लेजर की वजह से, लेकिन कौन सा बलून जल्दी फूटेगा? डू यू नो द आंसर? जल्दी करके ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपना आंसर.